क्लास अब हम 2.6 करने वाले हैं। उसका पहला सवाल है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, और इसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिख देना है, और फिर से सवाल को रिपीट करके वैसे लिख देना है। और जो हमारा डिवाइड वाला क्वेश्चन है ना, पहले हमने इसको हल करना है सिंप्लीफाई करके। इसको एक बार रख देना जीरो के, इधर ये प्लस वन है उधर जाकर माइनस वन हो जाएगा, एक्स इक्वल माइनस वन। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस इस तरह होता है, इस तरह दो लाइंस लगाते हैं, जिस पे हमने डिवाइड करना होता है उसको बाहर रखते हैं, और जो डिवाइड करना होता है उसको अंदर रखते हैं। सबसे बड़ी रकम है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबके कोएफिशिएंट लिखने होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट वन है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है तो एक्स का कोएफिशिएंट सेवन है, फिर हमने सेवन लिख देना है, और एक्स के बाद कॉन्स्टेंट है उसका कोएफिशिएंट माइनस वन है तो माइनस वन लिख देते हैं। डिवाइड करना है, उसका पहला स्टेप ये है कि जो पहली रकम होती है उसको वैसे ही लिख देते हैं वन, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन माइनस वन आ जाएगा, यह प्लस सेवन और ये माइनस वन है, ये सिक्स आ जाएगा। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स माइनस सिक्स। अब सिक्स माइनस सिक्स आ गया, और माइनस वन और माइनस सिक्स दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस सेवन आ जाएगा। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हमने सेपरेट कर देना होता है, मतलब ये पूरे सवाल से अलग हो जाती है, और जो इधर हमारी वैल्यू होती है इसको हम रिमाइंडर रखते हैं, और ये हमारा आंसर होता है। रिमाइंडर को आर लिख सकते हैं और आर एक्स लिखते हैं, रिमाइंडर हमारा माइनस सेवन है, और ये हमारा आंसर, आंसर को क्वेश्चन लिखते हैं क्यू इंटू एक्स। पहला हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के बाद एक्स आता है, फिर एक्स स्क्वायर आता है, और ऐसे ऐसे आगे चला जाता है। पहला हमारा सिक्स है, सिक्स प्लस क्या प्लस सिक्स, और फिर अगला हमारा एक्स होता है, एक्स का कोएफिशिएंट वन है, तो वन लिखें या ना लिखें कोई भी मसला नहीं, वन एक्स, ये हमारा आंसर है। तो क्लास अगला हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, और जिस पे हमने डिवाइड करना है पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स माइनस टू है, इसको हमने इक्वल रखना है जीरो के, इधर ये माइनस टू है उधर जाएगा प्लस टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी। अब हमारा सवाल सीधा हो गया, जिस पे डिवाइड करना है उसको बाहर रख देंगे, और जो डिवाइड होना है उसको अंदर रखेंगे। सबसे बड़ी रकम क्यूब है, क्यूब का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, मतलब वन है, तो वन आ जाएगा। क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, इसका भी साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका भी वन ही लगाएंगे। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, एक्स भी हमारे पास है, और इसका कोएफिशिएंट माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री लगा देंगे, और एक्स के बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है, कॉन्स्टेंट हमारे पास है ये टू है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था, जो पहली रकम होती है उसको सीधा सीधा वैसे लिख देते हैं, और फिर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। दो को एक साथ मल्टीप्लाई किया दो ही आएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस किया तो तीन हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तीन और दो को मल्टीप्लाई किया छः आ गया, ये माइनस तीन और ये छः, या तीन आ गया। अब दो और तीन को मल्टीप्लाई किया तो छः आ गया, और ये प्लस दो है, ये प्लस छः, और ये एट हो जाएंगे। जो लास्ट वैल्यू होती है उसको हम पूरे सवाल से सेपरेट कर देते हैं, और जो लास्ट वाली होती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर को हम आर एक्स लिखते हैं, आर इंटू एक्स हमारा आया आठ, और जो हमारा जवाब निकलता जो ये है उसको हम क्वेश्चन लिखते हैं क्यू इंटू एक्स, वो हमारा ये है। सबसे पहले वाला होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस थ्री है, प्लस थ्री वैसे ही लिख दिया, और उसके अगला एक्स होता है, एक्स प्लस थ्री है, तो हम प्लस थ्री एक्स लिख देंगे, और एक्स के बाद एक्स स्क्वायर आता है, वो हमारे पास वन है, तो वन एक्स स्क्वायर लिखा, या एक्स स्क्वायर कोई मसला नहीं, ये हमारा जवाब आ गया। तो क्लास अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें हमने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एच। सवाल में हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका पहला ये है, थ्री इज़ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो मतलब यहाँ हम जीरो कह लें या फैक्टर कह लें, वो दोनों सेम ही होते हैं। पहले तो हम ये करते थे कि जो होता था, मतलब जिस पे डिवाइड करना था, जैसे मतलब एक्स माइनस टू होता था जिस पे डिवाइड करना होता था, वो होता था, मतलब ये फैक्टर था। अब हमें सीधा सीधा इन्होंने फैक्टर दे दिया तीन, इसको हल करने के बाद आता था एक्स इज इक्वल टू, इधर हमें सीधा सीधी मिल गया एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये जीरो या फैक्टर जो मर्जी कह लें। तो हम सॉल्व करते हैं इसे, हमें फैक्टर क्या दिया हुआ है, तीन दिया है, और जिस पे हमने सॉल्व करना वो ये है। सबसे पहले क्यूब आता है,
सबसे बड़ी इसकी रकम क्यूब है, ये फिर स्केयर आ गया, क्यूब क्या है 2 है, क्यूब के बाद स्केयर आ गया, स्केयर भी हमारे पास है -3h, इसके बाद -3h आ गया, स्केयर के बाद एक्स आता है, एक्स हमारे पास नहीं आया तो एक्स की जगह हम 0 लगा देंगे, एक्स की जगह 0 आ गया, और 0 एक्स के बाद फिर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हमारे पास है वो 9 है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पहला वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6 आ जाएगा, -3h और ये +6 है, तो ये हम इसे ऐसे इकट्ठा लिख देंगे -3h + 6, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3h + 6 × 3, -3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो -9h हो जाएगा, और +6 + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +18 आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा फिर नीचे -9h + 18, और अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -9h 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -27h हो जाएगा, 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। जो लास्ट वाली हमारी वैल्यू होती है हम उसको सेपरेट कर देते हैं पूरे सवाल से, और और अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, h वाली ऊपर कोई भी नहीं है, -27h वैसे ही आ जाएगा नीचे, यह +54 है, यह +9 है, यह +63 हो जाएगा। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है, हमने ऊपर दिया हुआ है फाइंड h, h की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो अब हम सिंपलीफाई करते हैं इसको, -27h + 63 = 0, या -63 उधर जाकर -63 हो जाएगा, -27h = -63, माइनस दोनों साइड्स पे था ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बस बचा है 27h = 63, ये 27h के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, h = 63/27। अब हमने इनको डिवाइड करना, ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में 63 सेवन टाइम्स आता है और 27 थ्री टाइम्स, अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो h की यही वैल्यू आ जाएगी 7/3, ये हमारा आंसर आ गया। हार्ड अब हम इसी क्वेश्चन की तीसरी यूज़ करेंगे जिसमें हमें 0 या फैक्टर -1 दिया गया है, तो अब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, -1 इसका 0 या फैक्टर है, और अब जो हमने जिसको सॉल्व करना है वो हम लिखेंगे, सबसे बड़ी रकम क्यूब है पूरे सवाल में, तो क्यूब का आ गया 2 कोएफिशिएंट, क्यूब के बाद आता है स्केयर, स्केयर वाली हमारे पास वैल्यू नहीं है तो उसको हम 0 कर देंगे, और स्केयर के बाद आता है खाली एक्स, एक्स हमारे पास है +5h है वो, तो यहाँ पर 5h आ गया, और एक्स के बाद खाली कोएफिशिएंट आ जाता है वो हमारे पास -23 है, -23 भी आ गया। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं, पहले वाला वैसे ही आ गया 2, और अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, 0 - 2 - 2 ही आ जाएगा, और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -2 ये +2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5h + 2, अब 5h + 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5h - 2, और आ जाएगा -5h, और -2 और -23 प्लस हो जाएगा और -25 आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू को हम पूरे सवाल से अलहदा कर देंगे। अब हम एज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको अब सिंपलीफाई करेंगे, क्या ये 5 - 5h - 25, इसको हमने इक्वल रख देना 0 के, -5h, ये -25 इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, = 25, h = -5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर डिवाइड हो जाएगा, -25 - 5 ख़त्म हो गए, ये आ गया हमारे पास -5 आंसर, एज की वैल्यू निकल आई हमारे पास। ठीक है, तो
क्लास अब हम इसका पांचवा सवाल करने लगे। उसकी पहली जूस में हमें तीन दो रूट्स दिए हुए हैं, एक एक है और एक तीन है। तो हम सवाल सोल्व करते हैं। जो हमने सॉल्व करना है वो है सबसे हाई पावर एक्स की 4 है और उसका कोएफिशिएंट 1 कोई भी नहीं तो 1 लिख देंगे। एक्स की पावर 4 के बाद आधा क्यूब, क्यूब हमारे पास नहीं है तो फिर हम उसका कोएफिशिएंट 0 लिख देंगे। क्यूब के बाद आधा स्क्वायर, स्क्वायर हमारे पास है उसका कोएफिशिएंट -10 है। स्क्वायर के बाद खाली एक्स वाली वैल्यू आती है वो हमारे पास नहीं है, हम उसे भी 0 लिख देंगे। और फिर खाली कॉन्स्टेंट एक्स के बाद आ जाता है वो हमारे पास +9 है, तो +9 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली रकम वैसे ही आएगी 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही आएगा, 0 और 1 प्लस हो गए तो और 1 आ जाएगा। अब फिर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -10 और 1 ये -9 हो जाएंगे। अब 1 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा और 0 और -9 प्लस होंगे तो -9 ही आएगा। अब 1 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। अब 9 और -9 ये ख़त्म हो गए, 0 आ जाएंगे, मतलब ये इधर वाला ख़त्म हो गया पार्ट, ये लास्ट पार्ट तो ख़त्म हो गया। फिर हम इसको लास्ट पार्ट लेकर ना यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दूसरी हमें उन्होंने रूट दिया -3, वो हम लिखेंगे 3। पहला आ गया वैसे ही 1, अब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 और 3 ये 4 हो जाएंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस ये 12 आ जाएंगे और -9 और 12 ये 3 आ जाएगा। अब ये भी 3 और ये भी 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, ये -9 और ये 9 ये ख़त्म होकर 0 आ जाएंगे। और हमारे पास ये को रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया और क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया आर इंटू एक्स हमारा है 0 और क्यू इंटू एक्स हमारा है, आखिरी वाला हमारा कोशेंट होता है वो +3 है और उसके बाद आता है एक्स वाली 4 है, ये भी +4 एक्स हो जाएगा। एक्स के बाद एक्स स्क्वायर आता है वो 1 है, 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, इतना भी ठीक है पर हम उन्होंने कहा कि इनके रूट्स फाइंड करने हैं। दो रूट्स हमें दिए गए, एक 1 है और 3 है और दो हमने इसमें से फाइंड करने हैं। हाँ अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके पेयर बनाने हैं हमने एक्स स्क्वायर +4x +3x इक्वल 0। इसके पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर +3x +x +3। अब दो दो की जोड़ी बना लेते हैं, पहले में से हम कॉमन लेते हैं x और बाकी रह जाएगा x +3, दूसरे में कोई कॉमन नहीं है उसमें से +1 कॉमन ले लेते हैं आ जाएगा एक्स +3। तो ये हमारा एक्स +1 इकट्ठा हो गया और एक्स +3 कॉमन आ गया दोनों में से। अब दोनों को इक्वल रख देते हैं 0 के, ये दोनों इक्वल 0 हैं, अब इनको लहदा लहदा 0 के रखेंगे, एक्स +3 इक्वल 0। ये +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -1, ये एक्स +3 है उधर जाकर -3 हो जाएगा। तो ये हमारे दो जवाब आ गए हैं, एक ये है और एक ये है, ये हमारे दो नए रूट्स निकले हैं और दो हमें सवाल में दिए गए थे, एक 1 है और एक -3 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 रूट्स हो गए, एक 1 है, एक 3 है और दो हमारे जो जवाब निकले हैं एक -1 और -3, ये हमारे जवाब हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की दूसरी जूस करेंगे, उसमें भी हमें दो रूट्स दिए गए हैं 3 और -4 और जिसको हमने सॉल्व करना है वो हमें सवाल भी दिया गया। तो हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास रूट 3 है, पहले हम 3 को लेंगे और फिर जिसको हम डिवाइड करना है वो हम लेंगे। सबसे बड़ी पावर सारे सवाल में 4 है, 4 का कोएफिशिएंट 1 है तो कोएफिशिएंट 1 लिख देंगे। एक्स की पावर 4 के बाद आता है एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 हमारे पास है और उसका कोएफिशिएंट +2 है, 2 आ गया। क्यूब के बाद आता है स्क्वायर, स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट है -13, -13 भी आ गया।
स्क्वेयर के बाद आता है एक्स, एक्स का भी कोएफिशिएंट है -14, और एक्स के बाद फिर कॉन्स्टेंट आ जाता है, कॉन्स्टेंट भी हमारे पास है 24। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, पहला वैसे ही आ जाएगा नीचे 1। अब एक और तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 यहाँ ऊपर हम लिख देंगे। अब ये 2 और 3 प्लस हो गए 5 हो जाएंगे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 और 3 15, ये -13 और ये +15 है, ये 2 आ जाएगा। और अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आ जाएगा। ये -14 है और ये +6 है, ये -8 आ जाएगा। ये अब 3 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। ये +24 और ये -24, ये ख़त्म हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, इसको अलहदा कर देंगे हम। अब हम हमारे पास दूसरी रूट है -4। अब हम -4 रखेंगे दूसरी रूट और सवाल सॉल्व करेंगे। पहले वाली रकम वैसे ही आ जाएगी 1, और अब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 आ जाएगा। ये +5 है और ये -4 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर से 1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये +2 है और ये -4 है, ये 16 होगा, -2 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये +8 आ जाएगा। ये -8 है, ये +8 है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और हम लास्ट वाले को अलहदा कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर r(x) आ गया 0, और हमारा क्वेश्चन q(x) वो ये है। लास्ट वाली हमारी क्या वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, वो -2 है, वो वैसे ही आ गई। उसके बाद हमारा x आता है, x प्लस में है, वहाँ लगाया ना लगाए कोई मसला नहीं, +x। और x के बाद एक्स स्क्वेयर आता है, वो भी 1 है, तो वहाँ लगाया ना लगाए कोई मसला नहीं, एक्स स्क्वेयर। ये हमारा कॉन्स्टेंट आ गया। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। -2 इसको हम रखेंगे =0, इसके पेयर ये बनेंगे x² + 2x - x - 2 = 0। पहले दोनों में से कॉमन ले लिया x और आ गया x+2। अगले दोनों में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ गया x+2। x और -1 इकट्ठे आ गए और x+2 कॉमन है, इसको एक बार ही लिखेंगे। ये दोनों इक्वल हैं 0 के, अब इनको अलहदा अलहदा लिखेंगे 0। x-1 = 0, x = आ जाएगा 1। ये इधर -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा। और फिर x+2 = 0, इधर +2 है, उधर जाकर -2 हो जाएगा, x = -2। हमारा सवाल सोल्व हो गया। एक हमारी रूट आई है 1, और एक आई हमारी रूट -2, और 2 हमें पहले दी थी 3 और -4। इन सब को हम इकट्ठा लिख देंगे तो आ गया हमारा जवाब 1 -2 3 और -4, ये हमारा जवाब है।